आज की वीडियो में क्लास 7 लेसन 16 सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाएं जिंदगी बचाएं। यहाँ पर पानी बचाएं जिंदगी बचाएं इसलिए कहा गया है क्योंकि जब पानी रहेगा तो हमारा जीवन भी संभव है, बिना पानी के हमारा जीवन संभव नहीं है क्योंकि जल ही जीवन है, ऐसा कहा गया है। तो इस पूरे चैप्टर में, पूरे लेसन में पानी के संरक्षण के विषय में बात की गई है, कैसे कैसे हम पानी को बचाएंगे। और पानी को बचाना, पानी का संरक्षण करना किसी एक लोगों की जिम्मेदारी नहीं है या केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। आइए अच्छे से समझते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या समझाया गया है। यहाँ पर एक लड़का रहता है, बच्चा रहता है, जिसकी बहन, चचेरी बहन उसके लिए खत लिखती है। गांव में पानी संरक्षण के लिए कोई स्कीम चलने वाली है, उसी के विषय में पूरी स्टोरी है, पूरी पानी के विषय में कहानी है। आइए अच्छे से समझते हैं आकाश नामक बच्चे के विषय में। आइए देखते हैं। आकाश लिव्स इन ए विलेज, आकाश एक गांव में रहता है। देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज, उसके गाँव में पानी की कमी है। शॉर्टेज मीन्स होता है कमी। द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, गांव वालों ने निर्णय लिया पानी के प्रत्येक बूंद को बचाने के लिए ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, बारिश के दौरान। मतलब बारिश के मौसम के दौरान गांव वालों ने पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने का निर्णय लिया। दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया एज सून एज इट स्टार्ट्स रेनिंग, उन्होंने निर्णय लिया इस विचार को कार्यान्वित करने का शीघ्र ही, जैसे ही बारिश स्टार्ट हो। मतलब उन्होंने जैसे ही बारिश स्टार्ट हो शीघ्र ही इस विचार को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया। द न्यूज गेट पब्लिश्ड इन द न्यूज पेपर, समाचार समाचार पत्र में प्रकाशित हो गई। आकाश रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम हिज कजिन पूजा इन दिस रिगार्ड, आकाश इससे संबंधित अपने चचेरी बहन पूजा के एक पत्र को प्राप्त करता है। ही गिव्स ए क्विक रिप्लाई, वह जल्दी से एक उत्तर देता है। मतलब उसकी बहन पूजा एक पत्र लिखती है, उस पत्र के उत्तर में आकाश क्या लिखता है वो इस पूरे पत्र में दिया गया है। और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, इसमें अच्छे से हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। विलेज एंड पोस्ट विसरा, विलेज गांव और पोस्ट विसरा, मतलब उनके गाँव और पोस्ट का नाम विसरा है। सबसे पहले गाँव और पोस्ट का नाम लिखा जाता है। तहसील सिरथू, उसके बाद तहसील का नाम लिखा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कौसाम्बी और जिला कौसाम्बी। तो सबसे पहले हमने देखा विलेज और पोस्ट लिखा जाता है, फिर तहसील, फिर जिला, एंड देन यहाँ पर डेट लिखा गया है, जिस डेट को आकाश ने लिखा था यह पत्र। अब आइए देखते हैं पत्र में वो क्या लिखता है। आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडियाज ऑफ वाटर कंजर्वेशन, मैं वास्तव में खुश हूँ टू रिसीव योर लेटर, तुम्हारे पत्र को प्राप्त करके, रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के विचार से संबंधित। मतलब वो जो आकाश है वो लिखता है अपने पत्र में कि मैं वास्तव में खुश हूँ जल संरक्षण के विचार से संबंधित तुम्हारे पत्र को प्राप्त करके। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, तुम अपने चारों ओर घटित होने वाले चीजों से जागरूक हो। आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के लिए तुम्हारी जिज्ञासा और चिंता की मैं सराहना करता हूँ। अप्रिशिएट मीन्स होता है सराहना करता हूँ, कंसर्न मीन्स होता है चिंता, क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा, नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स होता है प्राकृतिक संसाधन। कीप इट अप, इसे बनाए रखना। दीज क्वालिटीज विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये गुण तुम्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में निश्चित रूप से मदद करेंगी। यू हैव राइटली गेस्ड दैट, तुमने सही अनुमान लगाया कि, गेस्ड मीन्स होता है अनुमान लगाना, राइटली मतलब सही, तुमने सही अनुमान लगाया कि आई हैव अटेंडेड, मैं उपस्थित हुआ या शामिल हुआ द इनागरल फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज, अपने गांव में जल संरक्षण प्रोग्राम के
उद्घाटन समारोह में, मतलब तुमने सही अनुमान लगाया कि मैं अपने गांव के जल संरक्षण प्रोग्राम के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुआ, शामिल हुआ। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। संरक्षण शब्द का अर्थ कुछ बचाने से है। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, जैसे जल, ऊर्जा, मिट्टी, पौधे और जानवर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, वेल्स एंड इन द फील्ड्स टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। जल संरक्षण का अर्थ होता है पानी को संरक्षित करना, तालाबों में, कुओं में, खेतों में, भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने में या बढ़ाने में। वी आर लिविंग इन ए चैलेंजिंग एरा। हम लोग एक चुनौतीपूर्ण युग में जी रहे हैं। चैलेंजिंग एरा मतलब चुनौतीपूर्ण युग में। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। रूथलेस मीन्स होता है क्रूर, क्रूरतापूर्वक जो कटाई होती है, मतलब अंधाधुंध कटाई, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स, और जंगलों की बर्बादी। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश या बर्बादी, जंगलों की बर्बादी। हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल, वर्षा में कमी का परिणाम है। वर्षा में कमी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और जंगलों के विनाश का परिणाम है। स्कैंटी मीन्स होता है कमी, रेनफॉल मीन्स होता है वर्षा। दिस लीड्स टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यह हर जगह लगभग पानी की कमी को बढ़ाती है। विच इज एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो कि फसलों की खेती को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। एडवर्सली अफेक्टिंग मतलब प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सोयल। हम लोग प्यासी भूमि के साथ कैसे खुश रह सकते हैं। इफ द फील्ड डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड एंड विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टूअर्ड्स सिटीज। यदि खेत पानी से भरपूर नहीं होंगे तो खाद्य प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन प्रभावित होगा। एंड और द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टूअर्ड्स सिटीज, और गांव के लोग शहर की तरफ पलायन करना शुरू कर देंगे। द सिटीज गेट ओवर क्राउडेड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। शहर में बहुत भीड़ हो जाएगी, जिसका रिजल्ट होगा, परिणाम होगा वायु और जल प्रदूषण। द गवर्नमेंट हैज मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड। सरकार समाज के सभी भागों को प्रेरित की है आगे आने के लिए। एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और पानी के प्रत्येक बूंद को बचाने के लिए, इसके लिए सरकार सभी लोगों को प्रेरित की है। वी आर द विटनेस टू इम्प्टीड एंड ड्राइड ऑफ रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। हम लोग खाली और सूखते हुए नदियों, तालाबों, कुओं और ट्यूबवेल्स के साक्षी हैं। मतलब हम लोग इन सब चीज़ों को खाली होते हुए, सूखते हुए देख रहे हैं। विटनेस मीन्स होता है साक्षी। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली। हम लोगों को शांति से बैठना नहीं चाहिए। साइलेंटली मीन्स होता है शांति से, सिट मीन्स होता है बैठना। हम लोगों को शांति से नहीं बैठना चाहिए। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल। जल संरक्षण प्रोग्राम के तहत हम लोगों को प्रयास करना चाहिए टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल, विभिन्न स्तर पर वर्षा के जल को बढ़ाने के लिए। मतलब जल संरक्षण प्रोग्राम के तहत विभिन्न स्तर पर बारिश के जल को बढ़ाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाई बिल्डिंग मेड आर बम्स अराउंड देयर फील्ड्स। किसान लोग अपने खेत के चारों ओर मेड़ अथवा बांध को बना करके अपने खेतों में पानी को स्टोर करेंगे। सिमिलरली इसी तरह से वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपेंड एंड क्लीन्ड। इसी तरह से वाटर बॉडीज जैसे कुएं और तालाब गहरे और स्वच्छ किए जाएं। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड। पुराने बांध का मरम्मत किया जाएगा। एंड ऑल न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स। और नए बांध को
नदी के पास में बनाया जाएगा। कंस्ट्रक्टर मतलब होता है निर्माण या बनाना। सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर, जिससे कि हम लोग अधिक पानी को संरक्षित कर सकें। What a wonderful scene it will be! यह कितना आश्चर्यजनक दृश्य होगा जब, when, जब our wells, ponds and rivers will be full of water, जब हमारे कुएं, तालाब और नदियां पानी से भर जाएंगी, and the children will be seen swimming in the ponds of their village, और बच्चे अपने गांव के तालाबों में तैरते हुए दिखेंगे। The tubewells will automatically get recharged. Tubewells खुद ब खुद recharged हो जाएंगे, मतलब उसमें खुद ब खुद पानी आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। And will continue to give us water throughout the year. और वर्ष भर हमें, हम लोगों को पानी लगातार देंगे। I would like to mention that. मैं यह जिक्र करना पसंद करूंगा कि the government alone cannot do everything. सरकार अकेली कुछ भी नहीं कर सकती, कोई चीज नहीं कर सकती। सिमिलरली इसी तरह से shouting slogans will not be of any help। चिल्लाते हुए जो नारे होते हैं कोई सहायता नहीं करेंगे। Water is essential for everybody। पानी हर किसी के लिए आवश्यक है। Essential means होता है आवश्यक। So everybody including we children। इसीलिए हर किसी को, यहाँ तक कि हम बच्चों को भी शामिल करते हुए, should participate in the water conservation program, जल संरक्षण प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। I have seen all the people voluntarily coming forward and working hand in hand for these noble cause. मैंने देखा है सभी लोगों को स्वेच्छा से आगे आते हुए और इस अच्छे कार्य के लिए, इस अच्छे काम के लिए हाथ में हाथ मिला करके काम करते हुए। होप यू विल बी बेनिफिटेड विथ वॉट आई हैव रिटन इन दिस लेटर। आशा करता हूँ कि इस पत्र में मैं जो लिखा हूँ इससे तुम्हें लाभ मिला होगा। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करो, साझा करो। Keep writing letters to get information on other burning topics also. अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी सूचना को प्राप्त करने के लिए पत्र को लिखते रहना, मतलब अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी इसी तरह सूचना को प्राप्त करने के लिए तुम पत्र लिखते रहना, ऐसा आकाश अपनी बहन पूजा से पत्र में लिखते हुए कहता है। और आगे कहता है कि प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी इन द फैमिली, कृपया परिवार में हर किसी को मेरा सम्मान देना। कन्वे मीन्स होता है देना, रिगार्ड्स मीन्स होता है सम्मान। योर कजिन, तुम्हारा चचेरा भाई आकाश। इस तरह से वो अपने पत्र को यहाँ पर समाप्त करता है। आई होप बच्चों आकाश ने पूजा को जो पत्र लिखा है जल संरक्षण से संबंधित, इससे आपको काफी जानकारी मिली होगी और आपको ये भी पता चला होगा कि जल की कमी से क्या क्या हो सकता है। अगर हम जल को संरक्षित करें, सेव करें, जिस तरह से इसमें बताया गया है, तो जल की कमी को पूरा किया जा सकता है और हम लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाएगा। और आपको बता दें कि इस चैनल पर क्लास 7 इंग्लिश की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर सारे चैप्टर्स के वीडियोज अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।